हेलो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कैसे वैल्यू चेंज की थी और उसको प्रिंट करवाया था। एक ही वेरिएबल का नाम, वेरिएबल मतलब कि चेंज होता रहता है, उसके जिसका मान जो स्थाई ना होता है वो होता है। तो पहले जो मान था 15, फिर बाद में हुआ था 20, उसके बाद में हमने इसको प्रिंट करवा दिया। इसका मान कभी भी हम बदल सकते हैं। अब हम इसके आगे काम करेंगे। ये था इंटीजर टाइप की वैल्यू। अब हम एक बार सभी टाइप की वैल्यू लेके प्रोग्राम टाइप करते हैं, जैसे इंटीजर हमने लिया है, इंटीजर का चलो नाम चेंज कर देते हैं, केवल ये ले लेते हैं। यहाँ पर बात नोटिस की देगा, हम यहाँ पर कुछ भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड एनीथिंग, मगर अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। पहली जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो अल्फाबेटिक होनी अनिवार्य है, उसके बाद में हम इसका ए वन ए टू ए थ्री ऐसे कर सकते हैं, मगर वन ए ये करना अनुचित है, मतलब कि ये नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो यहाँ पर एरर मैसेज आएगा। जैसे हम इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पढ़िए इनवैलिड सफिक्स ए ऑन इंटीजर कंसर्न, इसको हम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, पहले न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए वेरिएबल के नाम में। अब इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, मगर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया। सी आउट का फंक्शन लगाया, सी आउट ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो फटाफट हम दूसरे भी डेटा टाइप है उनको यूज करके देख लेते हैं। डबल था इसका d1 कर देते हैं, ये रियल वैल्यू होती है डबल, तो पॉइंट वाली जो भी संख्या आएगी वो इसमें आएगी। एक बात और नोटिस कीजिए, हर लाइन के अंत में यहाँ पर सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है, तो यहाँ पर सेमी कोलन लगाना मत भूलिए। अगर आपने सेमी कोलन नहीं लगाया है तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, प्रोग्राम में गलती आएगी, एरर मैसेज शो होगा आपको। एक बार डिक्लेयर करके आपको वैसे भी करके बता दिया जाएगा। करेक्टर जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है और एक ही करेक्टर लिया जाता है। करेक्टर नेम जो है इसको हम बड़ा कर सकते हैं, मगर इसकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ एक करेक्टर जितनी होती है और सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही होती है। बूल जो है वो बूलियन वैल्यू रहता है, बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स। बूल वन ले लिया हमने, ये हमने ट्रू लिया है, ठीक है। तो ये जो है इंट डबल कैर स्ट्रिंग बूल, ये तो है सब डेटा टाइप A1, D1, करेक्टर str1, bool1, ये सब जो है वो है वेरिएबल का नाम, और बाकी जो है इक्वल के बराबर बाद में लिखी जो भी वैल्यू है वो इनका मान है। स्ट्रिंग वैल्यू है वो डबल इनवर्टेड कोमा में लिखी जाती है, बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाता है। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं।
प्रिंट करवाने के लिए हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ना कि वेरिएबल का मान। ए वन है पहला एक्सप्रेशन, डी वन करेक्टर, एसटीआर वन और बूल वन। ये वैल्यू है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू देखिए आप, चौबीस कर देते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा आपको दिखने लग गया होगा, चलो यहाँ पर रख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर इंटीजर ए वन उसकी वैल्यू थी, उसका मान जो भी था वो 10 था। डबल डी वन उसका मान था 20.5। करेक्टर सी एच ए आर, केयर जो था करेक्टर उसका मान था ए। स्ट्रिंग जो था एसटीआर वन उसका मान था मनुष्यनन। बुल जो बुल वन है उसका मान था ट्रू। ट्रू का मतलब यहाँ पर वन होगा, मनुष्यनन पूरा प्रिंट होगा, ए का ए मान प्रिंट होगा, डबल वैल्यू है उसकी डबल मान होगा और इंटीजर का वन इंटीजर। अगर यहाँ पर फाल्स करते तो क्या होता ये भी देख लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर फाल्स कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं F11 से। अब यहाँ पर 200 देखिए, यहाँ पर सब मान वही है 10 20.5 ए मनुष्यनन। यहाँ पर हमने फाल्स कर दिया, फाल्स का मान 0 होता है तो यहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसमें मान कैसे दिया जाता है, उसको कैसे प्रिंट किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।